सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज मैक्स सिस्टम और मैं हूं भानु प्रताप। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप मेरे पीछे आज देख ही सकते हैं वीडियो में, ये है ह्यूंडई कोना। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल वर्जन है। यहाँ पे अभी UAE में, मैं इस टाइम दुबई में हूँ, तो यहाँ पे अभी आपको इलेक्ट्रिक वर्जन है जो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये गाड़ी कैसी है इसकी वीडियो बना रहा हूँ, पर इंडिया जाके फुल इलेक्ट्रिक का आपको रिव्यू दूंगा, टेस्ट ड्राइव वीडियो भी बनाऊंगा। सो गाइस उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। सो गाइस इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक लाइक करिए। अपनी ह्यूंडई कोना, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे UAE में मैं हूँ इस टाइम पे दुबई में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्जन जो है अभी नहीं आया है। एक और वीडियो मैं आपको दूंगा इसकी पूरी प्रॉपर, वो इंडिया जाके दूंगा इलेक्ट्रिक वर्जन की, बट मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल वर्जन जैसे अवेलेबल है सो मैं इसकी आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सो गाइस एक बारी मैं आपको पूरी चेक करवा देता हूँ। एक और इलेक्ट्रिक की पूरी वीडियो गाइस मैं इंडिया जाते ही इस चैनल पर डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप वेट करिए थोड़ा सा। सो ये चीज़ चेक करें आप यहाँ से, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। ये है 2000cc पेट्रोल इंजन। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैक्स स्पीड अगर हम इसकी चेक करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन टाइप आप देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए 1999cc। सो इसके बाद मैक्स स्पीड जो है इसकी इतनी है, टॉर्क जो इसका RPM है वो है 149/6200, जो मैक्स टॉर्क है वो है 18.3/4500। सो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइप 6 स्पीड जो है आपको ऑटोमेटिक मिलेगी इसके अंदर। मैं आपको एक बार इसका बूट जो है वो खोल के दिखा देता हूँ यहाँ से। सो गाइस ये चेक करें यहाँ पे, ये इसका है इंजन। इलेक्ट्रिक का अलग है आई नो, बट ये मैं आपको एक सिर्फ एक आउटर लुक दे रहा हूँ कोना की, कि कैसे दिखती है अंदर बाहर से। थोड़े डिफरेंसेस होंगे जो इलेक्ट्रिक होगी, बट मैं उसकी पूरी वीडियो आपको बहुत जल्दी इस चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। सो एक बार इसके फ्रंट जो है लुक्स को वो चेक करें आप यहाँ पे। सो ये है गाइस इसकी फ्रंट लुक, जो सामने जो ग्रिल दे रखी है वो भी काफ़ी ब्रॉड ग्रिल है, यहाँ पे आपको अच्छी ग्रिल मिल जाएगी। नीचे आपको यहाँ पे डूल टोन में जो है बम्पर मिल जाएगा, आपको सैटिन कलर का भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्क मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैटिन का। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, LED फॉग लैम्प्स हैं गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैम्प्स मिल जाएंगे इसके साथ, कॉर्निंग लैम्प्स है ये। सो ये चीज़ चेक करें आप। सो इसके बम्पर में काफ़ी सारे जो हैं न्यू एजेस हैं, न्यू डिज़ाइंस हैं। सो ये चीज़ चेक करें, ये भी एक नया डिज़ाइन जो है इसके बम्पर में इसको दे रखा है। यहाँ पे आप बात करूँ, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको DRLs दे रखे हैं, डे टाइम रनिंग लाइट विद इंडिकेटर्स, शार्प इंडिकेटर्स हैं, वो आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। यहाँ पे आपको इस साइड पे रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, ये चीज़ चेक करें। तो गाइस जैसे कि ये बेस वेरियंट है गाइस, स्टार्टिंग वेरियंट है, सो इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, बट ये स्टार्टिंग वेरिएंट ही यहाँ पे हमारे पास UAE में अवेलेबल है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसके ORVMs चेक करें यहाँ पे। सो गाइस ये हैं इसके ORVMs, टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये चीज़ चेक करें। उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर जाने वाला हूँ। सो गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की कीज़ दिखा देता हूँ। सो गाइस ये हैं इस ह्यूंडई कोना की कीज़, फ्लिप की है। सो हमने गाड़ी यहाँ से अनलॉक करी,
और अब हम चल रहे हैं Hyundai Kona के अंदर। सो सबसे पहले मैं बात बता दूँ, UAE में हमको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग मिलेगी। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, ये आपको फ्रंट पावर विंडोज़ मिल जाएंगी, विंडोज़ लॉक बटन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे दोनों साइड पे ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ चेक करें, विंडोज़ लॉक आपको, और VM ऑपरेटर मिल जाएगा सारा यहाँ पे, लेफ़्ट राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइस जो डोर है बिल्कुल जैसे बेस मॉडल है, तो बेसिक आपको यहाँ पे डोर्स मिलेंगे। उसके बाद मैं अंदर जाने वाला हूँ गाड़ी के, आपको अंदर से बताता हूँ। सो गाइस मैंने जैसे कि इसमें कीज़ लगाई गाड़ी के अंदर, मैंने यहाँ पे क्लिक कीज़ लगा के सिर्फ टर्न ऑन करी। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे इसमें थोड़ा बैटरी प्रॉब्लम है, तो गाड़ी अभी चार्ज हो रही है। सो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप चेक करें, सो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा इसके अंदर। बेस मॉडल के अंदर ही आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम अप डाउन मिल जाएगा, फ़ोन मोड मिल जाएगा, आपकी ऑडियो वीडियो ऑडियो कनेक्टिविटी है इसके साथ। आपको यहाँ पे इसके एसी वेंट्स देखिए इस साइड पे। सो गाइस ये है इसका स्पीडोमीटर, होप आपको ये चीज़ जो पसंद आ रही होगी। जो टॉप स्पीड है वो है 240 किलोमीटर। सो गाइस ये चीज़ चेक करें आप। सो यहाँ पे आपको ये बेस मॉडल है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन मिलेगी, छोटी स्क्रीन मिलेगी, साथ में आपको मीडिया के ऑप्शन मिल जाएंगे, बट ये एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो चीज़ चेक करें, आपको यहाँ पे ये सारे मीडिया, फ़ोन, रेडियो, सीक ट्रैक, मेन्यू, बैक, प्रेजेंट। सो गाइस ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, होप आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक आपको ये गियर बॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे, हिल कंट्रोल मिल जाएगा आपको, पार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ड्राइव मोड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको USB मिल जाएगा, ऑक्स मिल जाएगा 12 वोल्ट। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक्स ग्लास होल्डर, आपको थोड़ी सी पियानो ब्लैक जो है वो इस वेरिएंट में फिनिशिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ग्लास होल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ चेक करें। ये लाइट्स हैं इसकी, सो अभी इसकी लाइट्स नहीं जल रही हैं क्योंकि इसकी थोड़ी गाड़ी की बैटरी लो है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपको सेंटर कंसोल मिल जाएगा यहाँ पे, आर्म रेस्ट के नीचे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा, ये चीज़ चेक करें आप। आर्म रेस्ट के अंदर काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ, तो गाइस स्पेशियस हेडरूम है, लेग रूम भी है, तो काफ़ी मतलब नॉर्मल स्पेशियस लेग रूम है। अब मैं पीछे चलता हूँ, पीछे चल के हम बात करते हैं गाड़ी के बारे में। उसके बाद मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ये रियर साइड है इसकी, यहाँ पे रियर में मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको Hyundai Kona के अंदर। सो यहाँ से रियर से फ्रंट की ऐसे कुछ लुक्स आती हैं। सो यहाँ पे आपको रियर में काफ़ी स्पेस मिलेगी, साथ में आपको ओपनेबल हैंडरेस्ट मिलेगा विद ग्लास होल्डर। सो ये चीज़ चेक करें आप यहाँ पे। उसके बाद रियर में आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगी बेस वेरिएंट के अंदर। जो लेग रूम है वो बिल्कुल स्पेशियस है, आप ये चीज़ चेक करें यहाँ पे, स्पेशियस लेग रूम है। बाकी अब इंडिया जाके गाड़ी में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे मुझे, मैं भी उस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। सो गाइज़ ये चीज़ चेक करें। अब मैं इसकी बूट की अगर मैं बात करूँ, तो हम बूट स्पेस चेक करते हैं। अगर मैं रियर की बात करूं, तो यहां से आपको रियर में कुछ ऐसा बम्पर मिल जाएगा आपका। सेफ्टी की बात करूं, तो आपको यहां पे 6 एयरबैग मिल जाएंगे, फोल्डेबल जो है वो सीट्स मिल जाएंगी, 60-40 जो रेशो है वो सीट का रेशो आपको मिलेगा, जिससे कि आपकी बूट स्पेस और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सो गाइस ये चेक करें इसकी बूट स्पेस, होप आपको ये पसंद आ रही होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील जो हमें इन्हें दे रखा है। अब मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस रियर की अगर मैं बात करूँ, तो रियर के यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, रियर बैक लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी। सो ये यहाँ पे आपको ये वाली LED लाइट्स मिल जाएंगी रियर में। उसके बाद आपको रियर वाइपर मिल जाएगा बेस मॉडल में, ये चीज़ चेक करें। आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाएंगे दोनों साइड बेस मॉडल में, सो ये चीज़ चेक करें आप। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको जो Hyundai Kona है वो पसंद आई होगी। जैसे कि ये बेस मॉडल था, इसका टॉप वेरिएंट अभी यहाँ शोरूम में अवेलेबल नहीं है, और इलेक्ट्रिक भी है जो यहाँ लॉन्च नहीं हुआ है, वो सिर्फ यूरोप और हमारे इंडिया में जो है वो चीज़ लॉन्च हुई है। सो गाइस इंडिया जाने के बाद में एज सून एज पॉसिबल आपको Hyundai Kona की पूरी इलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला है। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो लाइक करिए।
बहुत बहुत थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर।